हेलो फ्रेंड्स, आई एम करिश्मा एंड यू आर वाचिंग करिश्मा स्टडी पॉइंट। वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीकॉम सेकंड ईयर एनुअल मोड के इनकम टैक्स एंड ऑडिटिंग का पेपर, जिसका कोड है B104। तो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, इसे अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स की रीच तक पहुंचाइए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से कोई 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो ये रहा आपका थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन जिसके मैं आपको आंसर प्रोवाइड करने जा रही हूँ। थर्ड का ए है, डिफाइन द टर्म कैपिटल असेट्स एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। मीनिंग ऑफ कैपिटल असेट सेक्शन 2 सब सेक्शन 14, तो ये रहा आपका उसका थ्योरी। तो यहाँ पे आपके थर्ड का एक आंसर खत्म होता है। तो थर्ड का बी पार्ट है, राइट शॉर्ट नोट ऑन सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड द कैपिटल लॉस। तो यहाँ पर आप सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस की पूरी समरी लिख सकते हैं। इसमें अब आपका थर्ड का सी पार्ट, एक्सप्लेन द क्लबिंग प्रोविजन वेयर बाय ए इंडिविजुअल इज असेसेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम अर्न बाय द स्पाउस। पहले यहाँ से हम डेफिनेशन में ये बताएंगे क्लबिंग ऑफ इनकम क्या होता है। तो ये इतने पैराग्राफ में आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्लबिंग ऑफ इनकम क्या होता है, और आगे आप ये बताएंगे कि स्पाउस यानी कि वाइफ या हस्बैंड की कमाई गई इनकम पे दूसरा पर्सन कहाँ तक असेसेबल हो सकता है। इनकम फ्रॉम असेट ट्रांसफर टू स्पाउस,
और यहाँ पे थर्ड का डी पार्ट है, एक्सप्लेन डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन। तो ये हमारा ये है डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन सेक्शन 80E। आगे जो हमारे फोर्थ क्वेश्चन है, इसके सारे पार्ट जो है ऑडिटिंग के। अकाउंटिंग इज ए नेसेसरी टू बिजनेस बट ऑडिटिंग इज ए लग्जरी कमेंट। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इज ऑडिटिंग ए लग्जरी। फोर्थ का बी पार्ट है, व्हाट इज मीन बाय इंटरनल चेक सिस्टम सुजेस्ट ए सुटेबल सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक फॉर वेज पेमेंट। तो ये यहाँ पे हमारा है इंटरनल चेक। आगे हमारा इसी में वेज पेमेंट के लिए पूछा गया, पेमेंट ऑफ वेजेस। अभी फोर्थ का सी पार्ट है हमारा, डिस्क्राइब द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 विद रिगार्ड टू राइट एंड ड्यूटी ऑफ कंपनी ऑडिट। तो ये जो आगे हमारा पार्ट कवर किया गया है, वो पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर दिया गया है। अब फोर्थ का डी पार्ट है, राइट शॉर्ट नोट ऑन ऑडिट वर्किंग पेपर। तो ये हमारा है ऑडिट वर्किंग पेपर्स। तो यहाँ पे आपके दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल चुका है।
इसे अच्छे से अपनी असाइनमेंट में कवर कीजिए। और आपको किसी भी सब्जेक्ट में और हेल्प चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।